भाई ये देखो सामने बस पे जो ना, तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से एक शान वाला मजेदार एक हैप्पी बैग बुक। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जितने भी नए लोग हैं काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का व्लॉग मैं बहुत लेट शो मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अभी इवनिंग होने वाली है, वो इसलिए सुबह मैं गया था कार ड्राइविंग सीखने के लिए। तीसरा मेरा दिन था, मतलब तीसरा राउंड था, एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा दिन आता है। तो वो घूमते घूमते मुझे एक जगह पे दिखा, आज फेस्टिवल लगा हुआ है फूड का, तो मैंने सोचा वहीं पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इससे कर मैं जो ना लेजी हो गया और मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं है, तो अभी शूट कर रहा हूँ। अभी मैं घर वालों को मतलब पानी वगैरह सब कुछ भर के और मतलब सब्जी वगैरह सबको लेकर देता हूँ, उसके बाद जो ना मैं वहाँ पर निकल जाऊँगा और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होगा। मतलब एक फेस्टिवल लगा हुआ है यहाँ पर हमारे पास में ही है, कहाँ पर वो यार कौन सी बिल्डिंग है जो बुर्ज खलीफा की तरह हमारी छोटी सी बिल्डिंग जो है हमारी कराची की, यार भूल गया, डोलमेन मॉल के पास, डोलमेन मॉल के बिल्कुल सामने ही है। तो वहाँ पे चलते हैं फिर देखते हैं। फिलहाल मैं घर के काम ना बैठ लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। अले बेबी सो रहे, छो जो। और गैस अभी हम मिलते हैं पिजनी से, मतलब हमजा से। हमजा कैसे हो भाई, और सलाम कौन करेगा? ओ मीर बुला रहा है, बाबा आ जाओ उसको सलाम करो हमजा, जल्दी जल्दी आ जाओ उसके पास, चले उठा उठ के आ जा। मीर उठो भाई के ऊपर से, चलो हमजा यार आप भी हर जगह पे गिर जाते हो उसके नीचे से, छोड़ दो सलाम करो। वी इतनी एनर्जी, इतनी भाई मेरे अंदर नहीं है जितनी आपके अंदर है दादा। ये रघु भाई के पास 50 तोला है, 50 तोला। हाँ दुआ क्या बोल रही थी? मम्मा बोलते 50 तोला है, ये मुझे दोगी? ये देखो बिस्किट खा के क्या हालत क्या कर दिया मीर आपने। जी मीर आपने सलाम किया था, सलाम करो, बस खाने का पता है इस बेचारे को। इधर देखो मुंह दिखाओ मुंह। चलो ठीक है खाओ खाओ। दादा आपने सलाम किया था, और सब ठीक है? चलो भी चलो हमजा, सब कुछ मैंने लेकर दे दिया घर पे, और अभी मैं निकल रहा हूँ फेस्टिवल की तरफ। साथ में कोई भी नहीं रहा क्योंकि मुझे सुनने में क्या मतलब भाई 1000 रुपये शायद एक बंदे की फीस है, तो जितने बंदे जाते हैं उतने ज़्यादा फीस होगी खान खा में, मतलब सिर्फ इंट्री फीस है, कुछ खाने पीने की नहीं है, वो फूड फेस्टिवल है, सिर्फ इंट्री फीस है। तो मतलब 3 बच्चे लेके जाओ 3000 4000 5000, सिर्फ अकेले जाता हूँ। अच्छा है हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है ना वहाँ। भाई साहब जल्दी मैं ऐसे निकल गया था, मैंने मतलब बूट नहीं पहने, बस चप्पल पहन के चला गया। वहाँ पे सुना कि भाई अच्छे अमीर लोग रहेंगे, तो मैं गरीब चलो बूट तो पहन लूँ। यहाँ पे आ तो गया हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा कराची यहाँ पर आया हुआ है। यकीन माने रोड पर ये देखें, रोड की हालत ये, सारी बाइक्स और इस तरफ सारी गाड़ियाँ, मतलब रोड पूरी जो ना जाम है और आने जाने का बहुत मुश्किल है। अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। तो यार अंदर इंटर हो चुके हैं, अंदर ये सीन चल रहा है, ये देखें हर तरफ रश 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 रश, और मुझे नहीं पता कि टिकट कहाँ से मिलेगी गाइस। अबे यहाँ पे तो पान वगैरह भी बेचे जा रहे हैं माशाल्लाह से, देखो कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये एंट्री की जगह और टिकट कहाँ से लेनी है? तो यार यहाँ पे हम लोग आ तो गए लेकिन यहाँ पर फैमिली के अलावा किसी को जान नहीं दे रहे, मेरे जैसे यहाँ पर 1000 लोग खड़े हुए हैं, जो सिर्फ फैमिली को देखो ना, अभी मुझे जो है घर जाना पड़ेगा, फैमिली वालों को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली के अलावा आप अंदर नहीं जा सकते, और मुझे यहाँ पर जाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर काफ़ी देखें सारे जो ना लोग, जो फैमिली के अलावा कोई भी नहीं अंदर इंटर हो सकता। एक तो यार रश इतने के बंदा यहाँ पे आने का फिर से दिल नहीं करता, और फैमिली को लाना भी ज़रूरी है। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं क्या करना है, जाऊँगा अभी मैं भी लेके आऊँगा, और मुझे जाना आज ज़रूरी है, मैं ज़रूर जाऊँगा इसके अंदर। अभी देखो मीर को भी लेके जाना पड़ता है मुझे, क्या करें यार, मैं सोचा था अकेला जाऊँगा सुकून से, वहाँ पर जाके अपनी ज़िंदगी इंजॉय करूँगा, आज घूमूंगा फिरूँगा, फिर वही वहाँ पर इसको ये ऐसे लेके उठा के घूमना पड़ेगा, फिर क्या करूँ यार। ऐसे कोई कोई गर्लफ्रेंड होगी ना बंदा उसको ले जाता है, जैसे सिंगल लड़की होती है तो फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये गुनाह है कबीर। आप किधर आ गए भाई, चलो घर जाओ चलो। नहीं आपको किसने बोला, आपकी खाम खाओ टिकट भरनी पड़ जाएगी। नहीं इसको अंदर भेजो, दादा खोल, दादा खोल जल्दी खोल, हम जा यार जाओ, क्यों चलो जाओ अंदर जाओ। आप जाके वहाँ पर क्या करोगे, अगर टिकट भरनी पड़ी पड़ी तो मैं बाहर छोड़ दूंगा, पहले बोल रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह या हैवान से आ गया, लेकिन अभी हमारे पास मीर है, फैमिली है सारे, तो अभी हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से आगे जाते हैं भाई, यहाँ पे सारे रश ही रश है। तो अभी खैर हम लोग अंदर क्लियर हो चुके हैं, आगे से लेंगे टिकट वगैरह,
तो फिर ही हम लोग अंदर इंटर हो सकते हैं। तो खैर आगे चलते देखते हैं। ये टिकट कहाँ पे मिल रही है? अच्छा वो सामने है। अच्छा ऑनलाइन टिकट वो सारा कुछ सामने ही है, तो वहाँ चल के देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर लेडीज़ है तो बस अभी टिकट भी देखें सिर्फ लेडीज़ को दे रहे हैं, और जो ना मतलब फैमिली सिर्फ फैमिली को अलाउ है, मतलब बिल्कुल ही जो छड़े छाने उनको बिल्कुल भी बहुत मुश्किल से आने दे रहे हैं। मीर मीर। अच्छा मेरी वाइफ बहुत तेज़ है, जल्दी जाके यहाँ से टिकट ले रही है, अभी ले ले तो फिर हम आगे निकलेंगे। तो यार टिकट वगैरह हमारी हो चुकी है और अभी हम लोग फाइनली जा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स है, लड़कों को बिल्कुल नहीं जाने देते। अगर वहाँ से निकले तो फिर यहाँ पर टिकट सिर्फ लड़कियाँ बाय कर सकती हैं। और अंत मेरे पास मीर था, खैर मैं ज़्यादा नहीं पूछा। अगर फैमिली के साथ भी ना फिर भी बहुत पूछती है, नहीं आपके साथ नहीं होगा, ये है मतलब बहुत मुश्किल से जाने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रश बहुत है। हमजा हाथ पकड़ो। अरे भाई इंट्री यहाँ से, मैं वहाँ से जा रहा था, कितनी प्रॉब्लम्स हैं यार। तो फूड ही मिलने वाले हैं, फूड के रेस्टोरेंट वगैरह, और रश ही रश होने वाला है इस साइड पर ना। तो जगह अच्छी है लेकिन अंदर आने के लिए बहुत मुसीबत भी है। कैसे? और ये यहाँ से आप दिखा सकते हो मैं आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें भाई सब। ये देखें कुछ इस तरह से उन्होंने सेटअप बनाया हुआ यहाँ पर ना। और आईवीजी, ये क्या है आईवीजी? चलें कुछ होगा मेरे ख्याल से, स्मोक वाले रैप वगैरह के लिए। अभी ये क्या है? फुजून फुजून ऐसे कुछ नाम करके इसका, फुजन फुजून। तो चलें हमजा आ जाओ। अच्छा यहाँ पर ना आपको काफ़ी जो ना काफ़ी फ्री वाले भी मिल जाएंगे, आपको प्रमोशन कर रहे होंगे वहाँ पर। ढूंढना ढूंढना बहुत सारे मिलेंगे। चलो आ जाओ। आपने बनाई? तो यार यहाँ पर हमें शिफ्ट मिल चुके हैं, इनको आपने तो आप जीत चुकी है। बहुत ही मजेदार एक हैवीवेट बुक, इतनी हैवीवेट बुक जो है ना वो अभी तक किसी ने हासिल नहीं की होगी इंशाल्लाह। और ये बुक पहली दफा शंगरीला ने बनाई है और इसके अंदर तमाम मुल्कों की रेसिपीज मौजूद है। सारी जिंदगी आप इसको कौन सा शान? तो ये अभी शान वालों के पास चलते हैं, शान वालों के पास चलते देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है ना। यहाँ पर कोई बड़ा क्या है, स्नैक बार है, और पने क्या से क्या है इस साइड पर ना। तो गाइस अभी हम लोग शान वालों के पास आ रहे हैं और यहाँ पर ये यह देखें अपनी कढ़ाई बना रहे हैं शान वाले, बहुत ज़बरदस्त और यमी लग रही है ना। तो यहाँ पर ये सीन है। शान वालों की ब्रांड ट्राई करोगे? बताओ जल्दी बताओ। एक ले लेते यार, एक बिरयानी दे रहे हमें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से एक शान वालों की बिरयानी ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं टेस्ट कैसा था यहाँ पर ना। तो एक अलग अलग चीज़ें भाई, इसको पकड़ ले एक मिनट के लिए, पकड़े मैं थक गया हूँ, बहुत देर से उठाया हुआ मैंने इसको। आ जाओ हमजा, कैसे लगे यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है ना? हाँ यहाँ पर ना हमें लाइन लगना पड़ता है टोकन के लिए, मैंने टोकन लिए ही नहीं, मैंने बोला चलो खली वली, क्योंकि भूख थी और इतना बड़ी लाइन कौन लगे यहाँ पर। तो खैर जो भी है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें, हम लोग और चीज़ें जाके देखते हैं यहाँ पर और क्या 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 है ना। डेल मॉन्ट वाले मतलब जितने भी यहाँ पर है ना सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो उनके जो ना मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रमोशन के लिए सब कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है, कंपनियों वाले सारे वही ब्रांड फूड वाले। मेरा भी हो तो मैं अपना यहाँ पर एक लगा सकता था कैंप वगैरह। और भाई ये देखो सामने बस पे जो ना इन लोगों ने स्टेज बना दिया इसको, तो मतलब यहाँ पर कोई है क्या? अबे कहाँ हो, देखो तुम लोग समझते, मुझे कुछ इसका पता नहीं होता तो है क्या बड़ा सिंगर कुछ ऐसा वैसा है इधर, मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। चलो आगे चल के देखते हैं। तो यार ये बस के अंदर इन्होंने मेरे कोई रेस्टोरेंट बनाया हुआ, अंदर देख वेख सब कुछ पड़ा हुआ है। और इधर क्या चीज़ है ये? मीर क्या हुआ? नहीं नहीं तो यार मुझे लगता है मीर को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मीर जो ना उठा उठा के मैं खा के आऊँगा। अच्छा यहाँ पर बच्चों के लिए भी है कुछ, मीर नाच नाच ये देखो। ओ भाई साहब यहाँ पर नाच रहे हैं भाई, इधर चल के देखते हैं इधर क्या सीन है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर, एक तो बिजनेस का कॉपीराइट कोई ना आ जाए, बाकी सब सेट है। और यहाँ पे डांस वांस सब कुछ चल रहा है भाई साहब। गाइस गाइस आ जाओ, ये लोग जी रहे हैं आपसे। जी जी हाँ एक मिनट एक मिनट, मुझे यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, सिंगर वगैरह सब कुछ है गाइस यहाँ पर। तो सामने बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है, वहाँ पर गाने वाने हो रहे हैं, लेकिन मसला ये कि अमीर को उठा के ना, और सामने रश भी वैसे बहुत आगे नहीं जा सकते, लेकिन ये गाना सबसे साथ गाना होगा, देखते कौन सा गाना है। ये देख रहे हैं आप, रुके मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ।
ए मुंडे पागल ने सारे गला बड़िया बड़े लारे उमर दी होली अड़िए तून बच के रे इना ने चली कर जाना लोका बिच कली कर जाना बिन पीते अटली कर जाना उसने तेरे तोने हारे करन नू फिर देने मारे गला बिच गल टुटाली जान सुनना तू आके देख ले ओ मैंने राते कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनी है तू आके देख ले ओ मैंने राते कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनी तू आके देख ले ओ मैंने राते कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनी है जी ये जो है ना क्या बोलते हैं आसी मजा आखिरी गाना करेंगे धमाल और कौन सा गाना था पहले मेरे इंस्टाग्राम के लिए सब लोग अगर अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ले सो वी कैन हैव अ पिक्चर राइट कम ऑन क्या हुआ अमीर अमीर चला भी रहा है और गाड़ी भी बिठा दिया मैंने इसको वहाँ से हम लोग आ गए थे और यहाँ पर ये देखें डरा हुआ भी और अरे अमीर चलो अमीर किसी के ऊपर चढ़ा नहीं है रुक बैठ जाओ चलो जी चलो ले चलो इसको वापसी ले चलो चलो वापसी चल रहे हैं आ जाओ हम लोग वापसी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग थक गए थे यार बहुत मीर को उठाओ था तो दूसरी बात यहाँ पे गाने बहुत है कॉपीराइट का भी डर लगा हुआ है मुझे तो वैसे बहुत इन्जॉय किया हमने अरे ये वाली गेम भी है यहाँ पर देखो ओ भाई साहब ये अच्छी गेम है हम लोग भी खेलते देखते किसी का आता है मीर देखना रुको जी एक बार रुक जाओ इधर आ जाओ अरे फेंको यार फिर ये देखें ये पूरी फूड स्ट्रीट लगी हुई है मतलब सारी यहाँ पर एक से एक बढ़िया फूड वगैरह मेरे पर मीर है ना तो मैं फंस गया इस चक्कर में फिर यहाँ पर जो है ना फाइनली शॉर्मा भी मुझे एक दिखा है फिलहाल पहला दिख रहा है ये दिख रहे चले सही है जो भी अच्छा है अरे इधर क्या चीज़ है ये देख लेते हाँ टिक्का कढ़ाई पता नहीं क्या चीज़ है समझ से बाहर है गाइस खाउस हाउस यहाँ पे जो है खाउस हाउस जो है ना यहाँ पर वो पिज़्ज़ा मैक्स उसके साथ में ही था तो यहाँ पर भी दिया उन्होंने देख रहे इनके आइटम में कुछ क्या क्या पड़ा हुआ गैस ये देखो अरे इनके पास ज़्यादातर ना इंडियन फूड्स होते हैं सारे ज़्यादातर जो ना जैसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा था मैंने इसके एक वीडियो भी बनाया फूड वाले चैनल पे तो ये सारे आइटम पड़ेगा तो गैस ये संडे वाले दिन भी खुला हुआ है आप लोगों को एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करना चाहिए
क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें और जो ना एक से एक बढ़िया चीज़ आपको दिखती जाती है यहाँ पर ना। जैसे कि यहाँ पर ये देखें लाइव पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है यहाँ पर। गाइस ये रहा खाओ डोसा, बल्कि मैंने खाओ डोसा किया था, खाओ सेका नहीं किया था, खाओ सेका भी किया था, अपनी एक ही ऐसे लग रहे दोनों दो मुझे। चौ माँ ये चौ माँ चौ माँ चौ माँ क्या प्राइस है? 450 एक दिन ना। हाँ एक ही लोट राहिल, एक ही लोट ट्राई करो। क्या हुआ? क्या ट्राई करूं? ये कौन ले रहे? हाँ ये हाँ अरे ये नहीं, उधर से फ्रेश बन के गया, ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो ना बन के आ चुका है कुछ इस तरह से। हम इधर पकड़ो भाई, तो ये देखो गाइस तो यार ये द बॉयज पे कल संडे के दिन भी है यहाँ पर, और हॉट डॉग भी आप ये बोले इनका सिग्नेचर है, तो मतलब ये आप आगे कल जरूर ट्राई कीजिएगा। चलो चलते चलते करो। तो यार यहाँ पर हमने एक ले तो लिया, अभी इसका टेस्ट वेस्ट का कोई पता नहीं है क्या है, तो खैर फिर भी हम इसको चेक करें। मुझे थोड़ा अजीब से नई चीज़ दिख रही थी, देखा भी करीब कर, मैं कब से वीडियो बना तो भाग रही यहाँ से। ये देखो कुछ इस तरह से, हमजा ट्राई करो इधर आओ, वहाँ बैठने की जगह बैठ जाओ वहाँ पे। अच्छा गैस यहाँ पर है तो मुझे पता चला कि कौन कौन से नाम है, एक तो नए नए नाम आ गए सारे, यानी कैसे गए पॉपर ये वो, और मीर जो ना मुझे नाक पे लड़ा हुआ गैस जी। क्या हुआ? हाँ हाँ यार केचप भी डाल देना उसमें बस। मैं हमजा केचप तो नहीं है, हनी मस्टर्ड होगी, चलो उससे गुजारा कर लेना तेरे देखते। और यहाँ पे कुछ और भी आइटम छोटे छोटे बर्गर पड़े हुए हैं। इसका क्या नाम था गाइस? ये नाम है कुछ इसको करके नहीं तो भाई। हमने यहाँ पर फ्राइज लिए, फ्राइज कैसे मिले हैं ऐसे? तो आलू को हाथ से बड़े बड़े कर। हाँ जी 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 ठीक है, एक मिनट उठा दो हमजा इसको, मीर गरम है गरम, कोई लगता है इसको भूख लगी हुई। बस अभी हम गाइस घर चलते क्योंकि बहुत देर हो गई, बच्चों को भी भूख लगी। हाँ ये लो पकड़ो भाई, मैं मीर को आ जा उठा दो भाई। मैं तो अभी वापसी जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे वापसी जाने के बाद रास्ता मिल जाए। एक तो बाइक भी बहुत आगे खड़ी हुई है, और इधर जो ना बहुत सारी जगह हैं, तो उठा बच्चों को लेकर। मैं अकेला आता ना फिर अच्छा था, लेकिन फैमिली के साथ फिर फैमिली के अलावा यहाँ पे अलाउ नहीं करते। कहाँ पर बैठ सकते हैं लेकिन किन की वजह से पता नहीं है। एग्जिट हमें मिल चुका है, अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और जो ना क्या बोलते हैं थक भी बहुत गए गाइस, बच्चों को नहीं लाने। अब बच्चों के अलावा आए तो आए, बच्चों के साथ नहीं आएगा, और ख़ासतौर मीर के जितना बच्चा होता है। हमजा फिर भी चल लेता है। और क्या बोलते हैं भाई, फ्राइज़ दिखने में अच्छे नहीं थे लेकिन खाने में बहुत मज़े के थे, जो सॉस था वो और कॉर्न भी बहुत मज़े का था। तो अभी घर चलते हैं, आपको वहीं पर चलते मिलते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ मीर हाँ पीछे बैठेगा, चलो अभी घर ही चलते हैं हम लोग। और भाई साहब रात की 10 से तकरीबन 11 बज रहे हैं, और अभी तक भी आप रोड की हालत देख सकते हैं कि क्या हाल है। मतलब रोड अभी तक फुल बिजी है, पता नहीं कब बंद होगा, हम तो थक हार के जा रहे हैं। रोड यहाँ क्या, मैं आ रहा था उस पीछे वाले इलाके से, वहाँ पर भी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेरे लग रहा पूरा कराची यहीं पे आया हुआ गाइस। खैर सीन तो बहुत मज़े के थे, लेकिन बस मैं क्या करूँ, जो भी था चलो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो आज का भी लोग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम फेस्टिवल गए थे, ईट फूड कराची ऐसे कुछ था, नाम भूल गया हूँ। खैर तो भाई ये लगा हुआ डॉलमिन मॉल के बिल्कुल सामने, ब्लॉक 2 की तरफ है, एतवार बाज़ार के बिल्कुल साथ में, और फी पर्सन की 750 रुपये टिकट थी। मतलब बहुत ज़बरदस्त जगह है, लेकिन फैमिली के अलावा आपको अलाउ नहीं करेंगे, मेरी तरह आप भी नहीं चले जाएगा, मैं भी बहुत खुआर हुआ हूँ। तो खैर बाद में फैमिली को लेके गया था, फिर साथ में मीर भी चला गया, लेकिन अच्छा पहले मैं सोचा कि बच्चों को नहीं लेके जाता, बच्चों की फ़ीस होगी, लेकिन बच्चों की कोई फ़ीस नहीं है, मतलब कोई फीस है, मतलब सब बोल रहा था, मतलब टिकट वगैरह कुछ भी नहीं, बच्चे बिल्कुल फ्री है। लेकिन ये ऐसी है कि मैं बोलता हूँ कि दो बंदे हों, हस्बैंड वाइफ, वही जाएं बस घूम फिर के आ जाएं, क्योंकि बच्चे ना वहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेंगे, और आप सही जगह सही से पूरी जगह घूम भी नहीं पाओगे। मैं तो मीरपुर उठा के थक गया। खैर मैं कल सोच रहा हूँ कल आपा वालों को छोड़ दूंगा वहाँ पे,
क्योंकि ये बच्चे तो वैसे भी फ्री हैं, सिर्फ आपकी टिकट बननी पड़ेगी, मैं फिर उनको वापसी ले आऊँगा। चलो कल ये भी घूम लेंगे वहाँ पर, मतलब बच्चों की भी जगह है, बच्चों के खेलने की जगह भी है, हमज़ा भी खेला वहाँ पर, स्लाइडिंग भी है, झूले वूले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन महंगे हैं। तो खैर जो भी है अच्छा है, वैसे 750 रुपये में सही है आपको इतना सब कुछ घूमने को, और गाने सिंगर भी आए हुए थे भाई, तो सही है, अच्छा है। बस मैं सोच रहा हूँ मेरी वीडियो पे कोई कॉपीराइट ना आ जाए, मैं अपलोड करके देखता रहूँगा 1-1.5 घंटा, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो इंशाल्लाह मज़े मज़े। और गाइज अभी हम बात करते हैं डीडी भाई पर। यार मैं डीडी भाई की वीडियो देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो उसने दो वीडियोज़ बनाई हैं, वैसे तो बनाता रहता है लेकिन ये दो वीडियो मुझे बिल्कुल अच्छी लगी जो उसने अब्बा पर बना दिए, कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हमारा झगड़ा हो, ये हो, मतलब धमकी दे रहा था कि आपके साथ झगड़ा हो, ये हो, वो हो। तो यार डीडी भाई आप बहुत गलत कर रहे हो अपने बाप को जवाब देकर, मतलब आपकी आप हम आपको क्या बोलें भाई, आपकी भी औलाद है, बस मैं यही बोलूँगा, कल को आपकी औलाद ने जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया के में हर इंसान देख के जाता है, तो आप जो कर रहे हो आप वही देख के जाओगे, और नए ससुराल वालों को खुश करने के लिए अपने बाप को भी धो डाला। तो खैर अभी क्या बोल सकते हैं यार, कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर हमारे बोलने से कुछ होता तो फिर तो कोई अलग सी बात थी ना, तो बस अल्लाह हिदायत दे यार इसको, अभी क्या बोल सकते हैं। न्यू शादी की आपको, ठीक है आपने शादी की, आप खुश रहें जो हैं यहाँ पर, बाकी सब ठीक है घर का बहुत, लेकिन आप अभी ऐसा नहीं करें कि भाई जो आपकी पहली वाइफ थी उसको एकदम से गंदा करना शुरू हो जाएं। अभी ये क्या करते हैं बातों बातों में फिर कोई ना कोई टोंट मार जाता है, आज भी कर गया कि ये था वो था फातिमा, भाई जब आप अपनी वाइफ के साथ खुश हो तो जो यहाँ पर माहौल बना हुआ उसको तो ख़राब नहीं करें, आप जहाँ पर खुश हो बस ठीक है वहीं पर रहो, इन्जॉय योर लाइफ, खले वली हमें कोई टेंशन नहीं है कुछ नहीं, हम लोग गल जाएंगे फिर से पार्टी वार्टी पे जाएंगे, लेकिन आप जो ना टोंटबाजी छोड़ दें, आप अपने व्लॉग बनाए अच्छे से, खुश रहें भाई, आपको जो करना है करें। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से घर का माहौल अकेला रह के सेट किया हुआ, लेकिन जब आप ऐसी वीडियो बनाते तो आपको पता है कि क्या होता होगा, तो भाई आप अपने काम से काम रखें और ऐसी चीज़ें टोंटबाजी करना छोड़ दें, बाकी हर चीज़ का इंसाफ दुनिया में होता है, और मैं यही बोलूँगा कि अपने बाप के साथ जो भी किया सॉरी कर लें तो अच्छा है, नहीं तो दुनिया में देख के जाएंगे आपकी औलाद भी है। तो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।